नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। और किसी को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो, इनपुट एक्सपोर्ट सीखना हो या बिज़नेस सेटअप करने में हेल्प चाहिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं पूरी उसकी ट्रेनिंग देता हूँ और समझाता हूँ कैसे करना है, कब करना है और किस प्रोडक्ट पर डील करना है आपके इन्वेस्टमेंट को समझ कर। तो इसमें अगर आप मेरे से कंसल्ट लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आई तो। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी डिमांडिंग था, काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉल करके मेल करके पूछा है। और जनरली ये सवाल होता है मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री में, जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, उनका एक सवाल होता है UPPCB का, जिसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है। हर स्टेट में अलग अलग होता है और कई स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके जोन के हिसाब से होता है कि रेड में आता है, ऑरेंज में आता है, ग्रीन में आता है, उस हिसाब से उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा कि UPPCB क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके रोल्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको ज़रूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, ये पूरे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर किसी को यूपी में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस बनवाना हो, इंपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस चाहिए हो, तो मेरे संपर्क कीजिए, मैं आपका उसे बनाने में हेल्प करवा दूंगा। और दोस्तों, लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट करने के लिए UPPCB का लाइसेंस क्यों चाहिए और उसको कैसे बनवाना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप बने रहिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। UPPCB का जो पर्पस है, ये निगरानी रखता है इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री किसी प्रकार का एनवायरमेंट में पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्री के आसपास एनवायरमेंट और ह्यूमन लाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसका पर्पस है। अब दोस्तों, UPPCB का ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है? UPPCB की ड्यूटी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पोल्यूशन का जो घटता बढ़ता जो मेज़र होता है उसको कंट्रोल में रखते हैं। ये UPPCB NOC देता है, जिसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इंडस्ट्री को इसलिए इशू किया जाता है ताकि इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को सेफ रखे, प्रोटेक्ट रखे और फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो। जो भी इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, जो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको हार्म तो नहीं कर रहे। इस सब का मेजर जो होता है ये PCB रखता है और टाइम टू टाइम ये चेकअप करता रहता है। अब बेनिफिट्स क्या है UPPCB के? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रिवेंशन करता है एयर और वाटर पॉल्यूशन को, हमारे एयर की क्वालिटी मेजर करता है ये। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी रिसाइकलिंग, एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग, इनगोट मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट मेटल्स में जो स्क्रैप रिसाइकलिंग हो रहा है वो सेफली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब पे नज़र UPPCB वाले रखते हैं। और आप इसकी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, अगर इम्प्लीमेंट इसको आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी फैक्ट्री भी बंद कर सकते हैं। और जो हमारी पॉलिसीज है रिसाइकलिंग और रीयूज की, उसको भी ढंग से इम्प्लीमेंट करवाता है UPPCB। अब UPPCB कंसेंट सर्टिफिकेट, उसको NOC भी कहा जाता है, वो किस इंडस्ट्री को जरूरत होती है, कौन ये NOC लेता है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो मेटल्स के डीलिंग करते हैं, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट जिनका चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चला रहे हैं, हैजर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो ये इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको NOC लेना, कंसेंट सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊंगा कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो जिन्हें कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जरूरत होती है स्टार्ट करने से पहले। पहला है बोन मील्स, वेजिटेबल्स, फूड्स एंड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, स्टोन क्रशर्स, स्लॉटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग यूनिट। इन सब इंडस्ट्रीज को शुरू करने से पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है UPPCB से। अब किस टाइप के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट NOC लेने के लिए? सबसे पहला है कवरिंग रीएक्विजिशन लेटर, जरूरत पड़ती है, जो बताएगा कि इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है और इंडस्ट्री की एक्टिविटीज क्या है। सेकंड, कॉपी ऑफ सेल डीड और रेंट डीड, अगर कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको सबमिट करना होगा। साइट प्लान, डिजाइन प्लान ऑफ द बिजनेस, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका साइट प्लान और डिजाइन प्लान भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक चार्ट ऑफ स्ट्रीट, फॉरेस्ट एरिया, रूरल फील्ड्स,
नेबरहुड और अदर सिग्निफिकेंट जोन्स जो कि 2 किलोमीटर के बिजनेस जोन के अंदर रेडियस में आता है। कंप्लीट सबटाइटल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का, हर एक आइटम जो कि बिजनेस में बन रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसकी पूरी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी आपकी प्रोडक्ट की, कि कैसे वो प्रोडक्ट को लाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या उसको रिसाइकिल करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, उसका पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए। कॉपी ऑफ लैंड ऑफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, लैंड यूज चेंज सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ऑडिटर सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइड होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट वाटर बैलेंस अंडरग्राउंड वाटर बैलेंस की रिसीट भी रिपोर्ट भी लगेगी, कंसेंट फी ऑफ कॉपी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट की कॉपी, प्रपोजिशन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे STP भी कहा जाता है, जैसे आप अपनी फैक्ट्री में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको रीयूज ट्रीटमेंट जो होता है रिसाइकिल कराया जाता है ट्रीटमेंट के थ्रू, वो किस प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मेथड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, और क्या क्या स्टेप आप ले रहे हैं एयर पोल्यूशन मॉनिटर करने के लिए, किस टाइप के आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप ले रहे हैं यूजेस ऑफ हैजर्ड केमिकल और डाटा रिलेटेड मटेरियल को सेफ्टी डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हर तरह का हैजर्ड मटेरियल्स भी जनरेट होता है, तो उसको किस प्रकार से डिस्पोज कर रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, और आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा जो एनवायरमेंट क्लीनिंग सर्टिफिकेट MOEF की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ ऑप्टेनिंग कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारी एग्जिस्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लॉ है ये स्टेट करती है कि जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट NOC लेने बहुत ज़रूरी है, उन इंडस्ट्रीज़ को कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये देख रेख की जा सके और निगरानी रखी जा सके कि इंडस्ट्री में हर वो जो इंडस्ट्री है जो इसमें आती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आती हैं और जिनसे पोल्यूशन होता है उसको कितना फैला रहे हैं, कितना कंट्रोल है और वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी देखरेख रेगुलर की जा सके। सबसे पहले UP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको फिल करने के साथ साथ उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, जैसे कि साइट प्लान, प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल प्लान, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन लोगों के पास सबमिट होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर वहाँ पे आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ UPPCB लखनऊ जो गोमती नगर में है लखनऊ में, फिर रीजनल ऑफिस जो होता है वहाँ पे ये सारी फाइल आपकी जाती है, प्रोसेस होती है, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इसका, फिर आपका जहाँ पे गोडाउन है वहाँ सर्वे होता है, इंस्पेक्शन किया जाता है और जो ऑथराइज टीम होती है वो आती है, चेक करती है आपकी फैक्ट्री, देखती है कहाँ पे प्रोसेस कैसे करोगे, वो आसपास के एरिया में नज़र मारती है कि अपनी तरफ से चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो आपने की है वो चेक करते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है, कुछ सही हुआ डॉक्यूमेंटेशन एकदम करेक्ट है तो 90 दिन के अंदर कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश NOC आपको मिल जाती है, जिसके UPPCB बोर्ड लाइसेंस भी कहा जाता है। इस तरीके से अब रजिस्ट्रेशन होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया है पूरा कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या बेनिफिट्स हैं और भी चीज़ें इसमें बताई हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप दोस्तों मैं इसको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेटल स्क्रैप रिलेटेड संबंधित चीज़ थी कि इंडस्ट्रियल मार्केट में जो लोग डील करना चाहते हैं और कुछ स्क्रैप को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कॉपर एल्युमिनियम आयरन अगर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक डाउट था लोगों के अंदर कि PCV लाइसेंस बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते, एज अ ट्रेडर इंपोर्ट के लिए एज अ ट्रेडर आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसको बेचना चाहते हैं तभी आपको ये लाइसेंस मिल पाएगा। अगर आप इसमें नहीं बता पाते कि हमें कहाँ सेल करना है, जिसको भी आप सेल कर रहे हैं उससे लेटर पैड पे लिखवाना पड़ेगा कि हाँ ये बंदा मेरे को इतना टन माल सेल करेगा, उसी हिसाब से आपको इतनी कैपेसिटी का आपको लाइसेंस मिलेगा। अब ये नहीं कर सकते हो कि आपने किसी से बोल दिया है लेटर पैड पे लिखवा के ले लिया है और कहीं और बेच रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि आप माल कहाँ पे जाके खपाएंगे, और इसी के बिहाव पे आपको ट्रेडर लाइसेंस मिल जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है, वही आपको लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा मुझे माल बेचेगा और इतना माल मेरे को महीने का देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग का लाइसेंस ले सकते हो PCB से। ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि PCV कैसे बनेगा और एज अ ट्रेडर कैसे ले सकते हैं, तो उसका आंसर मैंने आज आपको दे दिया है। अगर इससे ज़्यादा कोई और डाउट हो तो मेरे से आप आ सकते हैं।
अगर आप बिजनेस सीखना भी चाहते हैं तो भी मेरे पास सकते हैं, ट्रेडिंग भी करवाता हूँ साथ में, और अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप और मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक लेवल दोनों जगह कंसल्टेंसी देता हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, आपको सेल परचेज करने में हेल्प करता हूँ और प्लस आपको पूरा गाइड भी करता हूँ, तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों साइड में, और ट्रेनिंग भी देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।